morning class. Today I am here because we are discussing about our new chapter, Go Girl Go. आपने English literature का chapter number था रहे Go Girl Go. इसका मतलब यहाँ पे go का मतलब यहाँ पे जाने से नहीं है. यहाँ पर है आप किसी को जब कुछ अच्छा काम करते हैं, जब कुछ अच्छा achieve करते हैं, तो हम लोग उसको ये sign दिखाते हैं. It means होता है कि हम उसको appreciate कर रहे हैं. तुमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है. और तुम इससे अच्छा भी कर सकते हो. तो यहाँ पे हम बेसिकली तीन गर्ल्स की बात करेंगे, तीन वुमेन्स की बात करेंगे. हेमा दास, स्वप्ना बर्मन एंड विनेश फोगाट. ये तीनों कौन है? इन्होंने जो एशियन गेम्स यू हुए थे रियो में, यहाँ पर अपने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था. प्रतिनिधित्व मतलब यहाँ इंडिया से वो गए थे. अपनी अपनी चीज़ों में जो ये जो लोग थे, ये जो तीन गर्ल्स थे, ये बेस्ट थी. विनेश जो है वो रेसलर हैं, स्वप्ना बर्मन एक एथलीट हैं और हेमा दास भी एक एथलीट है, बट दोनों में डिफरेंट है. हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में यही पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक उठाते हैं हम लोग हेमा दास के बारे में. हेमा दास कौन थी? हेमा दास एक अंडर 20 एथलीट उन्होंने जीता था. अंडर 20 मतलब उसमें जो होते हैं वो अंडर 20 ही लोग होते हैं, 20 से ज़्यादा की एज के नहीं होते हैं. उन्होंने हेमा दास ने अंडर 20 एथलीट का जो कंपटीशन हुआ था, चैम्पियनशिप हुई थी रियो ओलंपिक्स में, उसमें जीता था. देन उन्होंने एशियन गेम्स में भी अच्छा किया और इसीलिए इनका नाम आज हम लोग पढ़ रहे हैं. तो आज हम इनके बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, किस तरीके से इन्होंने अपने आप, इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने कैसे उसको सही किया, इसके बाद आगे ये बढ़े. तो एक जब इन्होंने अंडर 20 एथलीट जीता तो एक पेपर आता है जिसका नाम है डे ब्रेक न्यूज़ पेपर. डे ब्रेक न्यूज़ पेपर ने इनके बारे में लिखा कि जो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यह हुआ कि हेमा दास एक आसाम से बिलोंग करती, एक राज्य जिसका नाम है आसाम से बिलोंग करती थी. और इन्होंने 2 सिल्वर्स 1 गोल्ड मेडल्स ये सब इन्होंने जीता. उन्होंने रिकॉर्ड टाइमिंग फिलिपिन आई रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड टाइमिंग 50.5 सेकेंड्स में फिनिश कर दिया उन्होंने अपनी रेस. ये एथलीट हैं, एक रेसर हैं और इन्होंने 50.5 सेकेंड्स में अपनी रेस कंप्लीट कर दी. रिकॉर्ड था वो उस टाइम का. फिर इन्होंने फिर इनकी कोच ने इनके सबसे पहले इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनके जो कोच थे उन्होंने सबसे पहले इनको एक डिस्ट्रिक्ट इवेंट में स्पॉट किया था. डिस्ट्रिक्ट इवेंट था उसमें इनको स्पॉट किया गया था, उनको देखा गया था. और जो इनकी कोच थी उनकी इस पर नज़र पड़ी. उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा सा काम कर एथलीट है, तो बहुत अच्छा दौड़ती है. फिर हेमा ने बताया, फिर हेमा से जब फिर उन्होंने उसकी पॉलिशिंग करी. एक कोच जो होता है, एक टीचर जो होता है, एक कोच जो होता है, वो जान जाता है कि इस बच्चे के अंदर, इस स्टूडेंट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है. वो उसी को चीज़ों को निखारना, उसी को चीज़ों को पॉलिशिंग करना ही एक टीचर एक कोच का काम होता है. देन फिर हेमा का जब हेमा ने इतनी चीज़ें अचीव कर ली, मेडल्स जीत लिए, अपने देश का नाम रोशन कर लिया, हर चीज़ कर ली, फिर देन उन्होंने जब हेमा का इंटरव्यू लिया गया तो उसको तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स में रुचि थी. जो उनका इंटरेस्ट था वो पढ़ने में नहीं, स्पोर्ट्स में था. देन लेकिन वो उनका फर्स्ट चॉइस एथलीट, उनका फर्स्ट चॉइस उनका दौड़ना नहीं था, उनका फर्स्ट चॉइस था फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलती थी. फिर उनकी एक टीचर है, उन्होंने बोला कि तुम फुटबॉल तो अच्छा खेलती हो, एक बार रनिंग करो. देखिए दोनों चीज़ें सिमिलरिटीज है. जो फुटबॉल खेलेगा उसको भी रन करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी रनिंग कर रहा है, कंटिन्यू वो रनिंग करता है. और जो एथलीट्स होते हैं वो भी कंटिन्यू रनिंग करते हैं. तो उन्होंने बताया कि तुम एथलीट, तुम दौड़ने में, तुम रेसिंग में अपना काम नहीं करते, रेसिंग में तुम ट्राई करो. जब उन्होंने रेसिंग में ट्राई किया तो उनको फुटबॉल से ज़्यादा अच्छा मिला, उनको फुटबॉल से ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला. देन उन्होंने फुटबॉल को छोड़ के एथलीट को दौड़ने में, रेसिंग में शुरू किया. नाउ धीरे धीरे जब वो उसमें बिल्कुल परफेक्ट होने लगी, तो फिर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें उनको एक नया कोच दिखा और कोच ने उनको एक इंडिया स्टार बना दिया. देखिए ये तो ऑटोबायोग्राफी हेमा दास की होगी, ठीक है. आपकी बुक में देखिए हेमा दास भी बनी होगी, उन्होंने तिरंगा को अपने ऐसे कवर किया होगा, ठीक है. देन अब आई यू
रोशन किया था। तो इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने सबसे पहले जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थी, ये जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थी स्वप्ना बर्मन, एंड जब इनकी जो कोच हैं सुभाष सरकार, जो उनकी कोच हैं सुभाष सरकार, उन्होंने एडवाइस दिया कि तुम, जब उन्होंने एडवाइस दिया कि तुम कर रही हो इससे अच्छा है तुम एक हेप्टालिटिक में ट्राई करो। हेप्टालिटिक एक तरह का, वो भी एथलीट का ही पार्ट होता है, हेप्टालिटिक में ट्राई करो, मतलब ये एक नॉर्मली एथलीट थी। जब इनके कोच सुभाष सरकार ने इनको देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये एथलीट में है, इसको इस हेप्टालिटिक में जाना चाहिए। तो देन तो जब उनको एशियन गेम्स में भेजा गया तो एशियन गेम्स में उनके बॉडी में थोड़ा पेन था और वो कंफर्ट नहीं थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको। तो देन क्योंकि इनके जो लेग हैं, लेग के जो हर लेग का जो लेग में हर फिंगर में एक एक फिंगर्स ज़्यादा है, इट मीन्स हम लोग की 5 होती है, उनकी 6 थी। तो जो ये कस्टमाइज शूज होते हैं वो इनको पेन करते थे, पेन होते थे, इनके लिए स्पेशल शूज बनाए जाते थे। तो वो कस्टमाइज शूज उनको पेन होते थे, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं थे, उनके शरीर में पेन था। फिर जब लास्ट डे था उन्होंने उसको करेज किया, उन्होंने अपने को हिम्मत दिलाई और अपने पूरे जोश के साथ उन्होंने उस इवेंट में भाग लिया। और जब हम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमको ये लगता है कि मुझे वो चीज़ करनी है, तो आप ये बात मान के चलिए कि वो हर चीज़ पर साफ किनारे हो जाती है। अगर हमने सोचा है कि हमको एवरेस्ट पे चढ़ना है और हमारे पैर में फ्रैक्चर है, तो आप ये मान के चलिए कि नहीं, वो फ्रैक्चर आपको एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखा होगा। उसी तरीके से स्वप्ना वर्मा ने भी अपने आप को, ठीक है बॉडी पेन हो रहा है, कस्टमाइज शूज नहीं है, पैरों में पेन हो रहा है, फीवर है, बॉडी एक है, वॉट एवर, मैं लास्ट डे का जो इवेंट है उसमें पूरी हिम्मत से उसको करूँगी। देन फिर क्या हुआ, और उन्होंने उस इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया, उन्होंने उस इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। देन और अपने आप की एक हिस्ट्री ली थी, इंडिया में ये पहली बार हुआ किसी खिलाड़ी ने हेपेटाइटिस में स्वप्ना बर्मन ने जैसे जीता गोल्ड मेडल, वहाँ तक गोल्ड मेडल तो आप बाकी नहीं करिए, किसी भी तरह का कोई भी मेडल नहीं जीता था। फिर आइए विनेश फोगाट से कुछ याद आ रहा है, फोगाट से आप लोगों को याद आ रहा होगा फिल्म दंगल, ठीक है, गीता बबीता, ओके, तो उसी में ही विनेश फोगाट, बट ये गीता बबीता की सिस्टर नहीं है, ये उनकी कजिन्स में है, ठीक है, ये भी एक रेसलर थे। और जब आप रेसलिंग में सबसे ज़्यादा जो अच्छा देश माना जाता है वो है चाइना, चाइना हर गेम्स में बहुत अच्छा है, तो जो चाइना में जो सबसे अच्छे प्लेयर है वो उनका नाम है सन, विनेश उनसे तीन बार हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हारने से ऐसा थोड़ी नहीं होता कि हारने से मैंने अपना काम ही करना छोड़ दिया, नहीं, हारने से इसका मतलब ये है कि मुझे पता चल रहा है कि उसके पास ये चीज़ें ट्रिक हैं, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देन विनेश एशियन गेम्स में गई तो फिर विनेश ने सन को हरा दिया, जबकि और जितने भी रेसलर्स आए थे वो विनेश से ज़्यादा ही हेल्दी थे, सब 90 kg थे, तो विनेश का जो वेट था वो 3 kg कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने हराया, ठीक है। और इस तरीके से फाइनल में सन को विनेश ने हरा के अपने भारत का नाम रोशन किया। देखिए यहाँ पे गो गर्ल गो इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा गया है कि ये तीन जो लड़कियाँ हैं, ये तीन ही लोग हैं, इन्होंने अपने देश का नाम किया है।